गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मोटर ऑन करी है क्योंकि पानी ख़त्म था टंकी में। जो किचन वाली है वो तो फुल है, मतलब किचन वाली काफ़ी चल जाती है, लेकिन जो दूसरी है ना वॉशरूम वाली वो ख़त्म हो जाती है। तो बस अभी मोटर ऑन करी है और टंकी भर जाती है, उसके बाद से फिर करते हैं दिन की शुरुआत। और सुबह का टाइम है, अभी 6:30 बज रहे हैं और मैंने चाय पी ली है, पीहू भी उठ गई है क्योंकि रात में जल्दी सो जाते हैं तो सुबह फिर जल्दी आँख खुल भी जाती है। पता नहीं लोग बहुत देर तक कैसे सो लेते हैं, मुझे नींद नहीं आती है। तो बस उठ गई हूँ, मोटर चालू करी है, अभी पानी देख कर के आई हूँ तो खाली पड़ा था, मतलब काफ़ी कम हो गया था। और जैसे ही टंकी में पानी कम हो जाता है ना तो नीचे जो उसका फ्लो है वो बहुत धीमा हो जाता है। तो बस और अभी चलते हैं, बिस्तर वगैरह बनाते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने दिन को। तो गाइस, चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में और सुबह का टाइम ऐसा होता है ना, ये देखिए पीहू ने अनार खाया था, तो मतलब ये थोड़ी देर का टाइम है तो अनार इसको मैंने काट के दिया था, खाया तो लास्ट में इतना छोड़ दिया था, वो ऐसे रखा हुआ है। और उसके साथ साथ मैंने दूध गर्म कर लिया था और अपने लिए फिर से मैंने सोचा था कि मैं एक बार और चाय बना लूँगी, मतलब दो चाय तो सुबह की हो जाती हैं। तो बस मैंने दोबारा एक बार फिर से चाय बनाई थी और उसके बाद पहले प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद जो भी चाय वगैरह के बर्तन हो जाते हैं वो सारे क्लीन करके रख दूँगी। तो दिन की जो शुरुआत होती है ना वो कुछ ऐसी होती है कि किचन से ही हमारा दिन शुरू होता है। तो बस ऐसे ही मेरा भी किचन से ही स्टार्ट हो रहा था और उसके बाद मैंने सारा प्लेटफॉर्म वगैरह सारा साफ़ कर लिया था और जो भी ये बर्तन थे किचन में जितने भी मतलब चाय वगैरह के थे वो सब है। और जो वो खिड़की पे आपको नज़र आ रहे हैं ना, जो कपड़े से लगे टंगे हुए हैं वो मेरे गोपाल जी के हैं। तो ये थोड़ा बैक साइड का है किचन के पीछे का, तो यहाँ पे क्या है ऊपर ना जाल है तो यहाँ से पूरी हवा आती है, इस वजह से जो गोपाल जी के कपड़े हैं वो ऑलमोस्ट यहाँ पे गोपाल जी के क्या, अगर मैं भी अपने सुखा दूँ ना तो वो भी सूख जाते हैं क्योंकि जाल काफ़ी बड़ा है और अच्छी हवा आती है ऊपर से, तो वो सारा क्लीन हो जाता है। तो चलिए कर लेते हैं किचन को पूरा क्लीन और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइज़, हमारे यहाँ कचरा लेने के लिए इस टाइप से गाड़ी आती है और आपके यहाँ कैसे आती है बताइएगा। और जो गाना आपने सुना वो शायद मुझे लगता है क्योंकि ये मोदी जी का है तो मतलब हो सकता है हर जगह हर शहर में यही होता हो, इसी टाइप का गाना आता हो और गाड़ी लेकर के आते हो कचरा लेने वाले। तो यहाँ पे तो ऐसे ही आते हैं, तो मैंने कचरा डाल दिया था। उसके बाद अपने लंच की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने आपको दिखाया कि जो गोभी थी वो हमें उसको बॉइल कर दी और ये है यहाँ का मंदिर। मेरे घर से 100 कदम की दूरी पे है, शायद 100 कदम भी ना हो तो बस बहुत पास में है और ये शाम की आरती हो रही है। फ्रेंड्स, ये जो मंदिर था ना मेरे घर से बहुत पास में है और शाम को ना
मैं पीहू को लेके चली जाती हूँ कभी कभी, और उस टाइम तो नवरात्र चल रहा था तो बहुत अच्छा लगता था। डेली आरती होती है और बहुत अच्छा लगता है सुबह शाम की आरती में। सुबह तो बहुत जल्दी हो जाती बट शाम की आरती में शामिल हो सकते हैं। और झूले वगैरह भी हैं यहाँ पे, मतलब पार्क में, काफ़ी अच्छा पार्क है। और सारे ही, मतलब एक तो राम मंदिर है तो राम मंदिर में देखिए सारे भगवान है। उसके बाद ना पीपल का पेड़ है, केले का पेड़ है, शनि देव का मंदिर भी है, और उसके अलावा मतलब बहुत सुंदर सा मंदिर बना रखा हुआ है। बच्चों के लिए झूलने के लिए एक छोटा सा झूला भी है, एक्सरसाइज करने के लिए जिनकी हाइट कम है उनके लिए भी लगा रखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है यहाँ पे। साथ ही साथ अगर अपना मन जैसे कभी हो जाता है ना कि बहुत ज़्यादा विचलित हो जाता है या फिर किसी टेंशन को लेके दिमाग ख़राब होता है, तो अगर वहाँ जाके बैठो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और शाम टाइम काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत सी औरतें भी आती हैं, दीपक लगाने आती हैं, जल चढ़ाने आती हैं, और मतलब पीपल पे भी पीपल पे भी दीपक लगाने आती हैं, शनिदेव जी पे, और केले का वृक्ष है उस पे भी। तो बहुत अच्छा लगता है। और नवरात्रि और जैसे इस टाइप के जो फेस्टिवल होते हैं ना, इस टाइप पे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चियाँ छोटी छोटी और औरतें आदमी मतलब सभी आते हैं यहाँ पे। तो शाम के टाइम मैं चली जाती हूँ, कभी कभी चली जाती हूँ, डेली तो नहीं जा पाती, लेकिन हाँ पीयू को लेकर के शाम को मैं चली जाती हूँ अक्सर ही। तो बस उस दिन भी गई थी तो पीयू खेल रही थी और तब तक वहाँ पे आरती भी शुरू हो गई, तो मैंने कहा छोटी सी क्लिप बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं ली। और यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे ये मैंने घर लिया हुआ है, तो यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है। सच बताऊँ तो किसी भी चीज़ के लिए बहुत दूर जाना नहीं पड़ता है, मंदिर भी पास में, तो ये बहुत अच्छा है। जब भी मंदिर की आरती होती है ना तो वो घर तक सुनाई देती है। आप ये सोच लो सिर्फ एक गली छोड़ करके दूसरी गली में मंदिर है। और अगर आपको किराना स्टोर जो होता है वो बहुत सारे मिल जाएंगे यहाँ पे, दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी दरवाजे पे मिल जाती है, दूध वगैरह जस्ट बगल में मिलता है। हॉस्पिटल मेरे एक घर छोड़ करके रोड क्रॉस करके जस्ट हॉस्पिटल है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल्स वगैरह की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और बहुत बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह भी हैं। तो काफ़ी अच्छी एरिया है और सब कुछ है यहाँ पे, अवेलेबल है हर चीज़। मतलब मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता, मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, फल फ्रूट हर चीज़ मतलब मिल जाता है यहाँ पे। और अगर आप जाना चाहते हो, जैसे कहीं आप दूर जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप अगर चाहो तो कैब वगैरह कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे बसें वगैरह बहुत, जैसे मिनी बस यहाँ पे चलती हैं। थोड़ी दूर पे मेन रोड है तो बस आराम से जाकर के आप वहाँ से मिनी बस भी पकड़ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे ये शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने ना कुछ कपड़े वगैरह जो भी धुले थे, थोड़े से कपड़े मैंने ज़्यादा धुले थे, वो मैंने फोल्ड करके रख दिए थे। उसके बाद ये मैं अलमीरा में सेट कर रही थी अच्छे तरीके से, सारे अलग अलग करके डिवाइड करके, क्योंकि उससे क्या होता है जैसे पीहू के कपड़े मैं अलग लगा देती हूँ ना, तो पीहू के लिए भी इजी होता है, उसको फट से जो पहनना होता है वो निकाल लेती, हाँ ख़राब कर देती है बट निकाल लेती है। और मैं अपने अलग कर देती हूँ, पीहू के अलग कर देती हूँ, टॉवल्स वगैरह अलग कर देती हूँ, तो इस तरीके से मैंने पूरा सेट करके रखा हुआ। तो होप आप सबको मेरे ये जो व्लॉग्स हैं ये अच्छे लग रहे होंगे, और अगर थोड़े से भी अच्छे लग रहे हो ना तो मतलब लाइक करना मत भूला करो। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक ज़रूर किया करो, और अगर थोड़ा हेल्पफुल लगता है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हो तो शेयर भी कर दिया करो। और रही बात सब्सक्राइब की, तो भाई अगर आपको अच्छे लगते हैं, आप मेरे ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज़ तो कोई बात ही नहीं है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे सेट हो चुके हैं, होप आप सबको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो बस जो मैंने बोला था वो कर देना। और ये जो मैं पीहू की पैंट दिखा रही हूँ पिंक कलर की है, वाइट कलर के डॉट्स हैं इसमें, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी, तो इसको मैं सोच रही थी कि मैं इसको कैफ्री बना दूँ। पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको कैफ़्री कर दूँ, लेकिन अब क्या हुआ है ना, 4 दिन के बाद ही मौसम यहाँ पे एकदम से चेंज हो गया है, बारिश हुई है और उसके बाद हवा चल रही है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब फुल कपड़ों की ज़रूरत पड़ जाएगी बहुत जल्दी। तो इसलिए अब मैं इसका कुछ नहीं करने वाली, अब मैं इसका जो भी करूँगी वो करूँगी मैं जब गर्मी आएगी तब। तो इसी वजह से मैंने इसको ना अलग करके रखा था, बट फिर मेरा मूड चेंज हो गया तो फिर मैं इसको अब नहीं करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। और जैसी भी ज़िंदगी हमें भगवान ने दी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए, जो भी टूटे फूटे रिश्ते हैं उनको बना के रखना चाहिए, और
भगवान जब परीक्षा लेता है तो परीक्षा भी उनकी लेता है। माँ बाप होते हैं ना, वो अपने सबसे बड़े बच्चे को ही प्यार करते हैं, मतलब जो उनका सबसे प्यारा बच्चा होता है ना उसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, और उसको ही ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो बस ऐसे ही है, भगवान का भी यही है कि भगवान जिनसे ज़्यादा प्यार करते हैं तकलीफ़ भी उनको ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये सब लाइफ के अप डाउन होते हैं, तो ये सब हमें चलता रहता है लाइफ में। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।